शिवांगी से मैं कई बार हम सेम जगह पर रहे हैं, हमने इवेंट किया है साथ में। लेकिन खतरों के खिलाड़ी कंटेस्टेंट जनरल जुबैर ने कल इंटरव्यूज दिए हैं केप टाउन से। वहाँ की जो इंटरव्यूज हैं उसमें उन्होंने बताया है शिवांगी जोशी के साथ उनकी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, वो उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। रूबीना मैम के साथ उनकी कैसी फ्रेंडशिप है, रोहित शेट्टी सर के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है, उस इंटरव्यू में जनरल जुबैर ने बताया है। सो गाइस मैं आप लोग को इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है गाइस कि आप इस वीडियो को बस एंड तक देख लीजिएगा। चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्डिंग शिवांगी और रूबी से मेरी अच्छी हुई है, उनको मैं पहले से नहीं जानती थी। शिवांगी से मैं कई बार हम सेम जगह पर रहे हैं, हमने इवेंट किया है साथ में, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी फ्रेंडशिप उससे काफी स्ट्रांग हुई और रूबी से भी काफी काफी अच्छा बॉन्ड है। वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है हर चीज का, एंड शी इज वेरी वेरी केयरिंग। तो हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आई एम जेलिंग। सभी बहुत स्वीट है, सभी बहुत अच्छे हैं। राजीव से अगेन आई एम बॉन्डिंग रियली रियली वेल बिकॉज ही इज वेरी फनी, वेरी एंटरटेनिंग, ही इज गॉट अमेजिंग पॉजिटिव वाइब्स। सो ऑल द कंटेस्टेंट्स आर अमेजिंग, बट आई थिंक या दीज गाइज आर द वंस जिनके साथ मैं सबसे ज्यादा जेल कर रही हूं। ये जो हमारा खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का पूरा पूरा क्लैन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम द पार्ट ऑफ द सीजन और अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कई बार तो सर ने खुद बोला है कि आपका क्लान इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ सीजन, क्योंकि सब इतना अच्छा कर रहे हैं। मतलब मुझे तो याद ही नहीं कभी किसी ने अवॉर्ड भी किया हो। मुझे बिल्कुल भी डांट अभी तक नहीं पड़ी है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सर अगर किसी को पैम्पर करते हैं तो वो मैं हूँ। और जब आप देखेंगे तो आपको सर बहुत बहुत स्वीट है। मतलब मैंने एक्चुअली इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला था कि अगर मैं सर की फेवरेट बन जाऊंगी देन आई विल बी ओवरवेल्म्ड एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी, बट वो मैंने ऐसे ही बोला था। बट यहाँ पर आके मुझे लगता है कि सच में शायद हमारा इक्वेशन इतना अच्छा है। सर इतना इतना ज्यादा अमेजिंग मेंटोर है, ज्यादा अमेजिंग गाइडेंस अपनी देते हैं ड्यूरिंग स्टंट, प्री स्टंट, पोस्ट स्टंट, एवरी टाइम। दैट आई रियली रियली फील दैट जो मैंने बोला था वो सच में कहीं ना कहीं रियल हो रहा है मेरे साथ।